जय माता दी। दोस्तों, सब मंगल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे निशुल्क जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करें। चलिए जानते हैं आज की जानकारी। दोस्तों, अच्छे भाग्य, स्वास्थ्य और सामंजस्य के लिए जरूरी है कि आपका घर साफ सुथरा हो और अव्यवस्थित ना हो। घर का हर हिस्सा जरूरी है, लेकिन हम अक्सर किचन को इग्नोर कर देते हैं, जो कि घर का बेहद ज़रूरी हिस्सा होता है। अगर किचन साफ और व्यवस्थित नहीं होगा तो इसका खराब असर आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। अगर किचन गलत जोन में बना है तो इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। तो चलिए, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी हैं वो बातें? नंबर एक, किचन की दीवारों का जो कलर होता है वह वाइट, क्रीम, येलो, सॉफ्ट ग्रीन रखें। इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। रेड और ऑरेंज जैसे स्ट्रॉन्ग कलर्स यूज़ करने से बचें। किचन में स्ट्रॉन्ग कलर्स यूज़ करने से घर के सदस्यों की बार बार सेहत खराब हो जाती है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रोजाना अपनी किचन को साफ रखें। अगर सामान अव्यवस्थित है तो इससे घर के सदस्यों की सेहत खराब हो जाती है। इसके अलावा किचन और फ्रिज में सड़ी सब्जियां और काफ़ी पुराना सामान रखने से भी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। टूटी हुई या चटकी हुई क्रोकरी फेंक दें। टूटे हुए बर्तन, गिलास, कप और प्लेट्स रखने से आपका भाग्य प्रभावित होता है और दुर्भाग्य आ जाता है। इसी तरह टूटे हैंडल वाली जो कढ़ाई होती है और ढक्कन होता है, उसे भी बदल दें। अगर टूटी हुई क्रोकरी से मेहमानों को खाना परोसा जाता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता। नंबर चार, आपको अगर आटा, चावल रखना है स्टोर करने के लिए तो प्लास्टिक के डब्बों की बजाय मेटल के कंटेनर्स में रखना चाहिए। मेटल से संपन्नता बढ़ती है, जबकि प्लास्टिक कंटेनर्स में रखा हुआ फूड वेस्ट मटेरियल लगता है। नंबर पाँच, टोटी से अगर आपकी पानी टपकता है तो उसे ठीक करवा लें। बेवजह पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता और आर्थिक रूप से आपको परेशानी क्रिएट करता है। नंबर छः, डस्टबिन को रोज साफ रखें और इसे ढककर रखें। किचन के साउथ या साउथ वेस्ट जोन में ही डस्टबिन रखें। नंबर सात, घर के साउथ ईस्ट जोन में किचन का होना अच्छा माना जाता है। अगर यह संभव नहीं है तो साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट जोन में किचन बना सकते हैं। अगर किचन नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो यह कैरियर अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करता है, धन की भी काफ़ी बर्बादी होती है, जबकि ईस्ट में यह हेल्थ के लिहाज से खराब होता है। नॉर्थ ईस्ट में होने से मेंटल टेंशन बढ़ती है और साउथ वेस्ट में किचन होने से रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो चलिए, यह थे कुछ टिप, आप भी इन्हें अपनाएं और अपने जीवन को अच्छी दिशा दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।